जय श्री राम गाइस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी आईफोन 13 लेने का सोच रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हैं कि आईफोन 13 की जो बेस्ट डील होगी वो आप लोग कहां पर देखने के लिए मिलेगी, क्या आप लोगों को आईफोन 13 ज़्यादा सस्ता फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल के अंदर देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप लोग को अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल के अंदर आईफोन 13 ज़्यादा सस्ता देखने के लिए मिलेगा। एंड दोस्तों जहां पर भी सस्ता देखने के लिए मिले, एंड उसी के साथ साथ दोस्तों जिस दिन यहां पर में सेल आएगी उस दिन दोस्तों काफ़ी तक कम लोग ही आईफोन 13 को परचेस कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर दोस्तों जो प्राइस आने वाला है वो जो है काफ़ी तक कॉम्पिटिटिव प्राइस है। एंड दोस्तों आईफोन 13 को लेकर यहाँ पर मैं रश काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ज़्यादा लंबे समय तक कौन सा प्राइस आईफोन 13 का टिकने वाला है। एंड अगर आप लोग कोई फ़ोन एक्सचेंज करना चाहते हैं, अगर आप लोग कोई बैंक डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या ट्रिक अप्लाई करना है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को कि आईफोन 13 की बेस्ट डील आप लोग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इस बार दोस्तों आप लोगों को अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल के अंदर जो आईफोन 13 है वो आप लोगों को ज़्यादा सस्ते प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर प्राइसिंग की, तो आईफोन 13 दोस्तों यहाँ पर मैं 40,000 रुपये से स्टार्ट होगा सारे ऑफर लगा देने के बाद। बढ़ते बढ़ते दोस्तों इस बार जो आईफोन 13 है वो जो 46,000-47,000 रुपीज़ तक जाने वाला है। अगर आप लोग दोस्तों लास्ट में परचेस करेंगे तो बेसिकली आप लोगों को 46,000-47,000 रुपीज़ के अंदर आईफोन 13 जो है देखने के लिए मिलेगा इस बार। लेकिन ये चीज़ तो दोस्तों कन्फर्म है कि 50,000 रुपये के अंदर ही रहने वाला है, 50,000 रुपये से बाहर इस बार आईफोन 13 का प्राइस नहीं जाने वाला है दोस्तों। एंड उसी के साथ साथ अगर बात कर लें दोस्तों किस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को ऑफर देखने के लिए मिलेगा अमेजोन के ऊपर, SBI की क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को ऑफर देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ तो यहाँ पर मैं कंफर्म हो चुकी है। 10% का आप लोगों को डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग के दिनों में आप लोगों को 1,750 रुपये का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कॉन्स्टेंटली आप लोगों को 1,500 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। एंड आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट ये देखने के लिए मिलेगा कि क्योंकि आप लोगों की कार्ड वैल्यू 25,000 रुपये से ऊपर हो गई है, तब अमेजोन की तरफ से भी आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप लोग मान सकते हैं कि 2,500 रुपीज़ तक का डिस्काउंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो आईफोन 13 का दोस्तों जो प्राइस होगा इंट्रोडक्टरी बिना कार्ड डिस्काउंट के वो आप लोगों को 43,000 रुपीज़ के अप्रोक्स देखने के लिए मिलेगा स्टार्टिंग में। एंड जब आप लोग जो कार्ड डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करेंगे तब यहाँ पर मैं दोस्तों जो इनिशियल टाइम होगा, मतलब रात को 12 बजे सेल आएगी, तब वहाँ पर आप लोगों को जो ये प्राइस देखने के लिए मिलेगा 40,000 रुपीज़ का जब आप लोग जो कार्ड डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। सेल आप लोग कब देखने के लिए मिलेगी, 29 सितंबर को दोस्तों आप लोगों को सेल देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब आप लोग मान सकते हैं दोस्तों कि अगस्त तो लगभग खत्म ही हो चुका है, मतलब अगले मंथ आप लोगों को सेल देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा नज़दीक है दोस्तों सेल, और आईफोन 13 की दोस्तों जो डिमांड है इस बार वो सबसे ज़्यादा है। मतलब कोई फ़ोन दूसरा दोस्तों लोगों को चाहिए ही नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर आईफोन 13 अगर हमने नहीं परचेस किया तो क्या हमसे जो है भारत की नागरिकता ही छीन ली जाएगी या फिर क्या चीज़ है, मुझे दोस्तों नहीं पता। लेकिन आईफोन 13 की जो डिमांड है इस बार वो आप लोग मानिए मेरी चीज़ को इतनी ज़्यादा है कि फ्लिपकार्ट जो लिस्ट कर दे सारी की सारी सोल्ड आउट होने वाली है पहले 4-5 मिनट में ही। दोस्तों जो आईफोन 13 है उसकी सारी यूनिट्स यहाँ पर में सोल्ड आउट हो जाएगी, तो ये चीज़ यहाँ पर में काफ़ी घातक है। एंड उसी के साथ अगर आप लोगों को बता दूँ कि जो कलर रहने वाला है दोस्तों, अगर आप लोग व्हाइट कलर परचेस करना चाहते हैं, अगर आप लोग ब्लू कलर परचेस करना चाहते हैं, ये तो दोस्तों दो कलर है, ब्लू कलर और व्हाइट कलर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा रश रहने वाला है। तो इन दोनों कलर को आप लोगों को चूज नहीं करना है, आप लोगों को दोस्तों तीन कलर को चूज करना है, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर या फिर पिंक कलर। अगर आप लोग दोस्तों व्हाइट कलर के पीछे भागेंगे या फिर अगर आप लोग जो ब्लू कलर के पीछे भागेंगे तब आईफोन तो इस बार आप लोगों को मिलने से रहा, आप लोग भूल जाइए। आप लोगों को दोस्तों तीन कलर के अंदर ही रहना है, ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो दोस्तों तीनों कलर है आईफोन 13 के जो लीस्ट सेलिंग कलर है, एंड इसके ऊपर कंपेरेटिवली कम रश होगा एज कम्पेयर टू व्हाइट कलर एंड ब्लू कलर। तो ये तीन कलर में से आप लोगों को चूज करना है। उसके अलावा अगर आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों यहाँ पर मैं ऐप से शॉपिंग करनी है, आप लोगों को ब्राउजर से शॉपिंग नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर मैं सेल आती है तब यहाँ पर मैं वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इतने ज़्यादा ट्रैफिक में दोस्तों आप लोगों जो ऐप है वो जो खुलेगा नहीं, पहली चीज़ तो दोस्तों ये। दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि आप लोगों के पास अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मिनिमम 30-40 MBPS का कनेक्शन आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा रश में, इतने ज़्यादा ट्रैफिक में, बेसिकली दोस्तों जो अमेजोन के ऊपर जो एकदम से दोस्तों ट्रैफिक आता है उतने ज़्यादा ट्रैफिक में दोस्तों आप लोगों की वेबसाइट को खुलने के लिए अच्छे खासे इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मिनिमम 30-40 MBPS का कनेक्शन आप लोगों के पास होना चाहिए। अपने मोबाइल डाटा में आप लोग स्पीड टेस्ट कर लेना, fast.com के ऊपर जाके आप लोग जो गूगल क्रोम के अंदर जाके देख सकते हैं कि आप लोग की इंटरनेट की स्पीड कितनी, अगर कम आ रही है दोस्तों 30-40 MBPS से अगर कम आ रही है तब आप लोग यहाँ पर वाईफाई का यूज़ करना ही पड़ेगा। आप लोग कोई साइबर कैफे का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग घर के आसपास नहीं है आप लोग अपने कोई फ्रेंड रिलेटिव्स के घर जा सकते हैं या फिर कुछ भी दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। लेकिन 30-40 MBPS का कनेक्शन आप लोगों के पास
पास होना चाहिए अगर आप लोगों को आईफोन 13 इस बार लोएस्ट प्राइस के अंदर परचेस करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की अगर दोस्तों बात करें तो आप लोग कोशिश ये करनी कि रात को 12 से लेकर जो 12:30 बजे तक का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि देखिए क्या होगा कि जैसे यहाँ पर मैं सेल आई, आप लोगों ने परचेस किया आउट ऑफ स्टॉक होगा, आप लोगों ने परचेस किया पेमेंट फेल होगा। फिर दोस्तों जो 12 से लेकर जो 12:30 तक का जो टाइम फ्रेम है, मतलब 12 से लेकर जो 12:30 का बीच का जो टाइम फ्रेम है, वहां पर में होता यह है कि काफी सारे लोग दोस्तों जब जो पहली बार आउट ऑफ स्टॉक होता है, जैसे 12 बजे से लेकर 12:10 तक अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया, चलो हम लोगों को कल ज्यादा प्राइस के अंदर ही परचेस करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, 12:10 से लेकर दोस्तों जो 12:30 तक का टाइम फ्रेम है उसके बीच में आप लोगों को 2-3 मौके फिर से देखने के लिए मिलेंगे। एंड क्योंकि दोस्तों ज्यादा लोगों ने देख लिया कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया तब वो दोस्तों चुपचाप सो जाते हैं अपना फोन या फिर लैपटॉप रख के, लेकिन दोस्तों जो 12:10 से लेकर जो 12:30 का टाइम फ्रेम होता है वहां पर आप लोगों को फिर से 3-4 बार आईफोन देखने के लिए मिलता है, मतलब आईफोन 13 बेसिकली आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जानबूझ के दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ऐसा करते हैं क्योंकि दोनों यहाँ पर में जो हाइप बनाना चाहते हैं, आप लोगों के मन में फोमो बनाना चाहते हैं बेसिकली, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अगर आप लोगों ने अब परचेस नहीं किया तो आउट ऑफ स्टॉक होगा, अगर आप लोगों ने अब परचेस नहीं किया तो आउट ऑफ स्टॉक होगा। इससे दोस्तों क्या होता है बेसिकली कि आप लोगों को ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपनाता है, हर साल होता है ये, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर 12:10 तक अगर आप लोग परचेस नहीं कर पाए उसके बाद भी आप लोगों को 2-3 मौके देखने के लिए मिलेंगे, एंड उनको आप लोगों को मिस नहीं करना है। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तब दोस्तों फिर आप लोगों को जो अगले दिन मौका देखने के लिए मिलेगा उसके अंदर आप लोगों को डायरेक्टली दोस्तों 2,000 रुपये बढ़े हुए दिखेंगे, 2-3,000 रुपये तो मतलब आप लोग मान के चलिए कि बढ़े हुए आप लोगों को मिलेंगे अगर आप लोग 12 से लेकर 12:30 बजे तक के टाइम फ्रेम में अगर आप लोग परचेज नहीं कर पाए दोस्तों आईफोन 13 को। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि फ्लिपकार्ट पर भी आप लोगों को आईफोन 13 देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को प्रायोरिटी अमेजोन को देनी, क्योंकि अगर आप लोग अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तब पहली चीज की आप लोगों को ऑर्डर सिक्योर हो जाएगा, आप लोगों को इतना ज्यादा ऑर्डर वगैरह कैंसिल नहीं होगा। अमेजोन दोस्तों डायरेक्टली ऐसा कर देता है कि अगर स्टॉक में है तो ठीक है, या फिर आप लोगों का उसी टाइम ऑर्डर कैंसिल कर देता है, लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट क्या करता है कि आप लोगों का ऑर्डर भी ले लेता है, एक्सेप्ट भी कर लेता है, एंड 7-8 दिन बाद आप लोग की जब जो डिलीवरी रहती है उस टाइम तक भी वो जो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो लोगों का दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि दोस्तों 7 से 10 दिन की तो सेल ही होती है अगर उस टाइम यहाँ पर मिस हो गया, एंड उसके बाद फिर जो है बड़े हुए प्राइस पर ही लोगों को जो है परचेस करना पड़ता है। खैर उसी प्राइस पर जो फिर से कैसे परचेस करना है इसके बारे में मैंने वीडियो वगैरह बनाई हुई है, अब फिर से अगर दोस्तों मैं वही चीज़ बताने की कोशिश करूंगा तब आप लोग बोलोगे कि फिर से बार बार वही वही चीज़ें रिपीट हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरी बाकी वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में अगर आप लोग को ऑर्डर वगैरह कैंसिल होता है तब फिर से आप लोग कैसे उसी प्राइस पर परचेस करना है जिस प्राइस पर आप लोगों ने परचेस किया था, इसकी वीडियो दोस्तों अवेलेबल है, जो दोस्तों मेरी पुरानी वीडियो उसको जाके आप लोग जो देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप लोगों से फाइनल कंक्लूजन की बात कर लूँ तो अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं इस बार कि आप लोग को ऑर्डर कैंसिल ना हो और आप लोग अपना ऑर्डर मिल जाए तब आईफोन 13 की तरफ आप लोग मत देखिए, आप लोग देखिए आईफोन 14 की तरफ। आईफोन 13 के ऊपर दोस्तों इस बार बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आप लोग अपना ऑर्डर डिलीवर हो जाए, क्योंकि दोस्तों अमेजोन पर भी ऑर्डर तो होगा लेकिन आप लोग मानिए कि 60% लोगों का इस बार जो ऑर्डर है वो जो कैंसिल होने वाला है। और ये चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को अभी से बता दे रहा हूँ क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ पर में डिमांड है उतना ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल नहीं है, आईफोन 13 का लिमिटेड सप्लाई है एंड यहाँ पर जो आईफोन 13 की डिमांड है वो जब बहुत ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए दोस्तों इतनी यूनिट्स ही आईफोन 13 की यहाँ पर में अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग मानिए इस चीज़ को कि अगर आप लोग आईफोन 13 को परचेस करना चाहते हैं तब दोस्तों 6,000 रुपये ज़्यादा देखिए, मतलब 47,000 रुपीज़ डाल के आप लोग आईफोन 14 के साथ जाना, अगर आप लोग चाहते कि आप लोग अपना ऑर्डर डिलीवर हो एंड आप लोगों का ऑर्डर कैंसिल ना हो तब दोस्तों मजबूरन आप लोगों को अगर आईफोन 13 भी परचेस करना है तब आप लोगों को आईफोन 14 के साथ जाना पड़ेगा, आप लोगों के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो अगर किसी भी कारण से जो दोस्तों स्टार्टिंग का दिन आता है, मतलब जिस दिन यहाँ पर मैं सेल आती है, अगर आप लोग परचेस नहीं कर पाए आईफोन 13 तब दोस्तों आप लोग समझ लेना कि अब आप लोगों को आईफोन 14 की तरफ ही जाना है, नहीं तो फिर आप लोगों को ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। एंड दोस्तों ऑर्डर कैंसिल होना ये बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल जनरली आप लोग तब होते हैं जब यहाँ पर में सेल जो है लगभग खत्म होने वाली रहती है, बहुत ज़्यादा जब जो दोस्तों प्राइस में इन्फ्लेशन आ जाता है। अब मानिए दोस्तों कि आप लोगों ने आईफोन 13 को 42,000 रुपीज़ में परचेस किया एंड आप लोगों का जब ऑर्डर कैंसिल हुआ तब यहाँ पर में प्राइस बढ़ गया 47 हो गया, तो 5,000 रुपये का दोस्तों डिफरेंस तो वैसे ही आ गया। एंड अगर आप लोग उस टाइम आईफोन 14 को परचेस कर लेते तब 2,000 रुपये ज़्यादा देके मतलब 47,000 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को आईफोन 14 ही मिल जाता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आईफोन 13 एक अच्छा फ़ोन है, मैं भी उस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन इस बार जिस हिसाब से डिमांड है तो उसी हिसाब से दोस्तों सप्लाई अवेलेबल नहीं है आईफोन 13 की। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आईफोन 13 की जगह आप लोगों को आईफोन 14 को कंसीडर करना चाहिए, वहां पर आप लोगों को बेटर कैमरा, एक इंप्रूव्ड आप लोग ग्राफिक की कोड देखने के लिए मिल रही है, थोड़ी सी इंप्रूव्ड आप लोगों को बैटरी देखने के लिए मिल रही है, सेल्फी कैमरे के अंदर आप लोगों को नोटिसेबल डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, इंप्रूव्ड आप लोगों को आईफोन 14 का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों बस इसी कारण से आईफोन 13 की अभी आने वाली सेल में उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को आईफोन 13 से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी सवाल हो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल में इतना ही दोस्तों, मैं फिर जाता हूँ।
ज़्यादा अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।